नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस YouTube चैनल पे। देखिए, पिछली वीडियो तक टाइप 2 तक दिशा और दूरी चल रहा था। टाइप 2 में पूरा तरीके से हम लोग समापन कर दिए हैं। आज जो है देखा जाएगा दिशा और दूरी में टाइप 3। टाइप 3 क्या था? जब कोण दिए जाएं, मतलब कोण से संबंधित सवाल। ठीक है, कोण से संबंधित क्या होगा? जब कोण दिए जाएं मतलब ये कि देखिए, हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं दो मेन दिशाओं के बीच कितने डिग्री का कोण होता है। तो आप कहेंगे 90 डिग्री का कोण होता है। कितने डिग्री? ऊपर में हमारा कौन सी दिशा? उत्तर। नीचे में कौन सी था? दक्षिण। यहाँ पे पूरब, यहाँ पे पश्चिम। और इन्हीं चार दिशाओं की क्या होती हैं? चार उप दिशाएं होती हैं। इसे कहा जाता है उत्तर पूर्व, इसे कहा जाता है दक्षिण पूर्व, इसे कहा जाता है दक्षिण पश्चिम, इसे कहा जाता है उत्तर पश्चिम। ठीक, इन्हीं को हमने क्या बताया था? एंगल वाले फॉर्म में दो मेन दिशाओं के बीच कितने डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का कोण होता है। और दो दिशा, एक दिशा और एक उप दिशा के बीच कितने डिग्री कोण? देखिए, इसके बीच 45, ये 45, ये 45, ये 45, माने इस और उत्तर पूर्व के बीच का कोण कितना डिग्री का होता है? 45 डिग्री। उत्तर पूर्व के बीच का कोण कितना होता है? 45 डिग्री होता है। पूर्व और दक्षिण पूर्व के बीच का कोण कितना होगा? 45 डिग्री होगा। दक्षिण पूर्व और दक्षिण के बीच कितना कोण होगा? 45 डिग्री होगा। ये हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। और इन सबका मान कितना होता है? 360 डिग्री, यही है। अब इसमें क्या होगा, व्यक्ति किसी दिशा में चलना चालू करेगा और अब एंगल वाले फॉर्म में घूमेगा। तो ठीक है, इसमें भी कुछ है नहीं, दो चार क्वेश्चन हैं, बाकी कुछ है नहीं इसमें बताने लायक। फिर भी हम बता देना है जो भी इसमें टाइप के बनते हैं क्वेश्चन। तो देखिए, क्वेश्चन लिख रहे हैं 60 फॉर्म में, 60 ही फॉर्म में लिखेंगे। बड़े फॉर्म में क्या लिखेंगे? बड़े फॉर्म आप इतना जान गए होंगे कि बड़ा फॉर्म कैसे लैंग्वेज में देगा। देखिए, कोई व्यक्ति उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, कुछ दूरी चलता है, उसके बाद 45 डिग्री दक्षिणावर्त, 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर 45 डिग्री वामावर्त घूमता है, वामावर्त घूमता है, फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। तो बताइए, व्यक्ति अब किस दिशा में देख रहा है? यही क्वेश्चन है आपके सामने छोटा सा। ठीक है, तो इसको पहले हम, आप लोग भी देखेंगे और लगाएंगे, इसको पहले हम डायग्राम से बताते हैं जो बेसिक मेथड होता है। देखिए, दिशाएं कितने होती हैं? चार, कुछ इस प्रकार से वहाँ पे भी बना है, लेकिन यहाँ पर देखिए, और चार दिशाओं की क्या होती हैं? चार उप दिशाएँ होती हैं, यही होती हैं। अब व्यक्ति कहाँ देख रहा है? उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर, यहाँ से सेंटर से चला, कुछ दूरी चला, उत्तर की ओर चल रहा है, उसके बाद 45 डिग्री दक्षिणावर्त। अच्छा, 45 डिग्री दक्षिणावर्त का मतलब आप क्या समझते हैं? तो आप कहेंगे क्लॉकवाइज। वामावर्त का मतलब क्या समझते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। ये बहुत अच्छी तरीके से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा, तो 45 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा में घूमेगा, कहाँ पहुँच जाएगा? उत्तर पूर्व में। कहाँ पहुँचेगा? उत्तर पूर्व में। कितना घूमा? 45 डिग्री। अब अगला कह रहा है क्या? 45 डिग्री वामावर्त घूमा, तो फिर 45 डिग्री वामावर्त घूमेगा, कहाँ पहुँचेगा? उत्तर में पहुँच जाएगा। देखिए, एक बार दक्षिणावर्त घुमा 45, उत्तर पूर्व में पहुँचा, फिर उत्तर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा, कहाँ पहुँच गया? उत्तर में। फिर क्या है? 90 डिग्री दक्षिणावर्त। अब इस समय व्यक्ति कहाँ है? उत्तर में है। अब दक्षिणावर्त घूमेगा तो क्लॉकवाइज, अब क्लॉकवाइज घूमेगा तो कहाँ पहुँचेगा? सीधे सीधे पूर्व में पहुँच गया है। पूर्व में पहुँच गया कि नहीं पहुँच गया? बिल्कुल पहुँच गया। फिर उसके बाद कह रहा है 45 डिग्री। अब देखिए, यहाँ से पहले 45 घुमा, फिर 45 घुमा इधर, अब फिर यहाँ से कितना घुमा? 90। अब 90 डिग्री घुमाए तो कहाँ पहुँचा है? पूर्व में। अब क्या घुमाएंगे? 45 डिग्री दक्षिणावर्त। 45 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब क्या? ये क्लॉकवाइज, इसका भी मतलब क्या? क्लॉकवाइज। अब 45 डिग्री दक्षिणावर्त कहाँ से? पूर्व से। पूर्व से 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमेंगे, कहाँ पहुँच गए? दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व में। अब फिर 45 डिग्री वामावर्त। 45 डिग्री वामावर्त मतलब क्या? एंटी क्लॉकवाइज। क्या? एंटी क्लॉकवाइज। कहाँ से? दक्षिण पूर्व से। तो वामावर्त घूमेंगे 45 डिग्री, कहाँ पहुँच जाएंगे? पूर्व में। मतलब इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या है? पूर्व में। तो आप देख रहे हैं डायग्राम से कितना घुमाना पड़ रहा है, यहाँ से कितना घुमा है? 45 डिग्री। ये इसका बेसिक मेथड होता है, लेकिन हालांकि हमें ऐसा करना नहीं है। ठीक है,
ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है, ये बेसिक है, आपको बताने के लिए कहे हैं कि आप जान जाइए ऐसे भी लगता है, कुछ नहीं करना है, वही हमारा दाएं बाएं वाला कांसेप्ट है। कुछ नहीं जानते हैं, क्लॉकवाइज को एक बार जोड़ लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज को एक बार जोड़ लीजिए। ये बताइए, देखिए 45 किसका है, क्लॉकवाइज का है, 90 किसका है, क्लॉकवाइज का है, 45 किसका है, क्लॉकवाइज का है कि नहीं है। तो 45 45 90 और 90 90 180 डिग्री, 180 डिग्री किसका हो गया, क्लॉकवाइज का हो गया कि नहीं हो गया। अब एंटी क्लॉकवाइज एक में जोड़ दीजिए, 45 45 90 45 45 90 और 90 किसका हो गया, एंटी क्लॉकवाइज का हो गया कि नहीं हो गया। दक्षिणावर्त को एक जगह जोड़ लिए, वामावर्त को एक जगह जोड़ लिए। अब इनका ले लीजिए अंतर, अंतर लेंगे तो 180 में से 90 गया, मतलब बड़े वाली वैल्यू में से छोटे वाले वैल्यू को घटा दीजिए, तो 90 और 90 किसका बचा, जिसकी वैल्यू बड़ी है, किसकी वैल्यू बड़ी है, क्लॉकवाइज की। आप कहेंगे क्लॉकवाइज का, बस कुछ नहीं करना, उत्तर से क्लॉकवाइज घूम जाएगा कितना, 90 डिग्री, उत्तर से क्लॉकवाइज घूम जाएंगे 90 डिग्री, कहाँ पहुँच जाएंगे, पूर्व में, बस खेला खत्म। यही है इस सवाल का आंसर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, अब हम डायग्राम से नहीं लगाएंगे, उम्मीद है बेसिक मेथड आप समझ गए होंगे, अब डायरेक्ट लिखेंगे और डायरेक्ट सवाल को सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति है दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है, कुछ दूरी चला, दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है, ठीक है, उसके बाद 45 डिग्री दक्षिणावर्त, 45 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 45 डिग्री वामावर्त, फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 90 डिग्री वामावर्त, घूमता है तो बताइए व्यक्ति अब किस दिशा में देख रहा है, ठीक है। तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, पहला तरीका क्या, दक्षिणावर्त दक्षिणावर्त एक जगह जोड़ लीजिए, वामावर्त वामावर्त एक जगह जोड़ लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि देखिए, ज़रूरी नहीं है कि जोड़िए ही, अगर देखिए कुछ कटने लायक है तो सीधे सीधे काट भी दीजिए, जैसे दाएं बाएं में हम लोग काट रहे थे, एक दाएं से एक बाएं काट रहे थे कि नहीं, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल काट रहे थे, तो इसमें भी काट सकते हैं, लेकिन वैल्यू किसकी बराबर की होनी चाहिए, जैसे कहने का मतलब है दो ही कोण बनेंगे, या तो 45 का या तो 90 का, आप कहेंगे जी बिल्कुल एक 45 का एक 90 का, तो मतलब 45 दक्षिणावर्त से 45 वामावर्त काट सकते हैं और 90 दक्षिणावर्त से 90 वामावर्त काट सकते हैं। कहने का मतलब है कि दक्षिणावर्त से वामावर्त काटे, और ऐसे भी देखिए दक्षिणावर्त का मतलब आप क्या समझते हैं, क्लॉकवाइज का मतलब क्या, दायां, और वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या समझते हैं, बायां, है कि नहीं है। तो दायां से बायां कैंसिल करते थे, तो देखिए यहाँ भी दायां बायां कैंसिल होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं रहती थी, यहाँ पे देखिए वैल्यू है, तो जैसे कि यहाँ पे 45 है तो यहाँ पे 45 होना चाहिए, अगर यही 90 कर दें, ये 90 कर दें तो नहीं कटेगा, समझ पा रहे हैं, वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर, तो वैल्यू बराबर होगी तो दक्षिणावर्त से वामावर्त ऑटोमेटिक कैंसिल होगा। क्यों कैंसिल होगा, देखिए जैसे कि मान लीजिए 45 दक्षिणावर्त घूमेगा कहाँ से, दक्षिण से, अब दक्षिणावर्त घूमेगा तो क्लॉकवाइज कहाँ से, दक्षिण से, देखिए दक्षिणावर्त यही दक्षिण दिशा है, यहाँ से 45 घूमेगा कहाँ पहुँचेगा, तो आप कहेंगे दक्षिण पश्चिम में, फिर 45 डिग्री वामावर्त घूमेगा तो कहाँ पहुँचेगा, एंटी क्लॉकवाइज, फिर दक्षिण में पहुँच गया, मतलब एक बार 45 दक्षिणावर्त एक बार 45 वामावर्त, माने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमने से व्यक्ति के दिशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए क्या करेंगे, आपस में कैंसिल कर देंगे, ठीक है, लेकिन वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो देखिए 45 दक्षिणावर्त से 45 वामावर्त, 90 दक्षिणावर्त से 90 वामावर्त कैंसिल हो गया, एकदम वही कॉन्सेप्ट है, दायां बायां। अब देखिए कुछ नहीं बचा तो व्यक्ति दक्षिण का दक्षिण में होगा, व्यक्ति दक्षिण का दक्षिण में होगा। दूसरा तरीका क्या जानते थे, 45 45 जोड़ दिए, क्या 180, सॉरी माफ करिए, 45 45 90 डिग्री दक्षिणावर्त, 90 डिग्री क्या, दक्षिणावर्त, और 90 90 180 डिग्री वामावर्त, 180 डिग्री क्या, वामावर्त, यही होगा 45 45 90 डिग्री दक्षिणावर्त और 90 डिग्री 90 90 180 डिग्री वामावर्त, अंतर लेंगे कितने का, 90 डिग्री, और 90 डिग्री किसका बचेगा, वामावर्त का, 90 डिग्री वामावर्त का बचेगा। तो जब कुछ भी ना बचे तो व्यक्ति कहाँ पहुँच गया, दक्षिण में पहुँच गया। दूसरा तरीका क्या है कि दक्षिणावर्त दक्षिणावर्त जोड़ दीजिए, दक्षिणावर्त दक्षिणावर्त जोड़ेंगे कितना होगा, देखिए दक्षिणावर्त 45 दक्षिणावर्त 90 तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज होगा कि नहीं होगा, 45 डिग्री वामावर्त और 90 डिग्री वामावर्त दोनों जोड़ के कितना होगा, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब अंतर लेंगे, अंतर मतलब जीरो, और जीरो किसी का नहीं हुआ, तो जीरो मतलब व्यक्ति समाज जिस दिशा में है उसी दिशा में चलना प्रारंभ किया होगा, किस दिशा में, दक्षिण दिशा में, बस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है, कहाँ, उत्तर पूर्व की ओर,
अब 90 डिग्री दक्षिणावर्त, 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, 45 डिग्री वामावर्त घूमता है, फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। तो बताइए व्यक्ति किस दिशा में देख रहा होगा। तो अब क्या करेंगे, हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, आप भी देखेंगे, क्या करेंगे, जो कटने लायक है काट लेंगे, जो नहीं कटने लायक है उसको जोड़ घटा लेंगे, है कि नहीं है। तो 90 डिग्री दक्षिणावर्त से 90 डिग्री वामावर्त खत्म, 45 डिग्री दक्षिणावर्त से 45 डिग्री वामावर्त खत्म। अब दक्षिणावर्त दक्षिणावर्त काट भी नहीं सकते, और दक्षिणावर्त होता वामावर्त होता तो भी नहीं काट सकते, क्यों, क्योंकि देखिए 90 ये भी है और 90 ये 45 है तो कटता ही नहीं, 90-90 होता तो शायद कट जाता, कौन, ये दक्षिणावर्त होता ये वामावर्त होता तब, लेकिन ऐसा है नहीं, दोनों क्या है, दक्षिणावर्त हैं, दोनों दक्षिणावर्त हैं, मतलब क्या, दोनों जोड़ लीजिए 90 और 45 कितना हुआ है 135 डिग्री क्या एंटी, माफ करिए क्लॉकवाइज, 135 डिग्री क्या क्लॉकवाइज। अब 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दीजिए उत्तर पूर्व से, अब उत्तर पूर्व से 135 डिग्री घूमेंगे, देखिए 45 घूमेंगे तो पूर्व में पहुंचेंगे, अब बच गया कितना का और घुमाना है 90, और 90 घूमेंगे कहाँ पहुंचेंगे, दक्षिण में पहुंचेंगे, मतलब व्यक्ति किस दिशा में देख रहा होगा, दक्षिण दिशा में। अब इसको डायग्राम से अगर लगाने बैठ जाएं तो उत्तर पूर्व से पहले घुमाएंगे 90 तो पहुंचेंगे कहाँ, दक्षिण पूर्व में, फिर 45-90 घूमेंगे कहाँ पहुंच जाएंगे, फिर उसी दिशा में पहुंच जाएंगे, फिर 45 डिग्री घूमेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, पूर्व में पहुंच जाएंगे, फिर 45 डिग्री घूमेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, वामावर्त उत्तर पूर्व में, फिर 90 डिग्री घूमेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, दक्षिण पूर्व में, और फिर 45 डिग्री घूमेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, दक्षिण में। तो डायग्राम से देख रहे हैं थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसलिए इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ नहीं है, दाएं बाएं है, जैसे दाएं बाएं कैंसिल करते थे, जो कटने लायक है काट लेते थे, लेकिन इसमें जब बस इतना ध्यान रखना है कि कटने लायक न हो तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे बस, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन, कोई व्यक्ति है दक्षिण पूर्व में चलना आरंभ किया, कहाँ चलना आरंभ किया, दक्षिण पूर्व में, 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, 45 डिग्री वामावर्त घूमता है, 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, फिर 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। तो बताइए व्यक्ति अब किस दिशा में देख रहा है। तो बहुत अच्छी तरीके से फिर क्या करेंगे, दक्षिण पूर्व में चलना प्रारंभ किया, 45 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा, 45 डिग्री वामावर्त घुमा, 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा, 90 डिग्री। अब जिसको दक्षिणावर्त और वामावर्त में कन्फ्यूजन हो रहा है, वो अभी तक तो कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए, लेकिन दक्षिणावर्त का हिंदी में मतलब क्लॉकवाइज को क्या कहा जाता है, दक्षिणावर्त, और एंटी क्लॉकवाइज को क्या कहा जाता है, वामावर्त, ठीक है। तो जो कटने लायक है काट देंगे, दक्षिणावर्त 45 डिग्री दक्षिणावर्त वामावर्त कटा, देखिए, अच्छा 90 डिग्री दक्षिणावर्त से 90 डिग्री वामावर्त कट गया, कटा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में बता रहे थे, अब दक्षिणावर्त से वामावर्त तो कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा, लेकिन अगर 90 यहाँ पे भी होता तब कटता है कि नहीं है। अब 90 ये है, ये 45 है, अब वैल्यू बराबर है नहीं तो काट नहीं सकते, तो काट नहीं सकते तो अंतर लेंगे। अब अंतर लेंगे तो 90 में से 45 गया, 45 डिग्री। अब 45 डिग्री किसका बचा, वामावर्त का बचा कि दक्षिणावर्त का बचा, तो आप कहेंगे जो वैल्यू बड़ी है उसका ये मान है, किसका मान बड़ी है, तो वामावर्त का, मतलब ये क्या है, 45 डिग्री वामावर्त घुमा दीजिए, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, कहाँ से, दक्षिण पूर्व से, दक्षिण पूर्व दिशा कहाँ है, ये है, दक्षिण पूर्व दिशा कौन है, ये है, यहाँ से 45 डिग्री क्या घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज। अब इधर घूमेंगे तो घड़ी की दिशा में घूमेंगे, उधर घूमेंगे तो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेंगे, दक्षिण पूर्व से 45 डिग्री घूम जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, कहाँ पहुँच जाएंगे, पूर्व में, तो मतलब व्यक्ति अब कहाँ देख रहा होगा, पूर्व में बस। बाकी अब देखिए इस टाइप में कुछ है नहीं, बस उसके बाद अब ऐसे बस प्रैक्टिस है, यही सवाल है, ठीक है। तो आगे एक लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे उसके बाद, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोई व्यक्ति है कहाँ चला दें, उत्तर पश्चिम में चला दें, आप कहेंगे उत्तर पश्चिम में चला रहा है। अब देखिए 45 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा, कहाँ घुमा, 45 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा, फिर 45 डिग्री वामावर्त घुमा, फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा, फिर 90 डिग्री वामावर्त घुमा, फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा,
फिर 45 डिग्री वामावर्त घुमाए, फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाए, तो बताइए व्यक्ति अब किस दिशा में देख रहा होगा। अब देख रहे हैं, अब इससे वैल्यू बड़ी, इससे भी ज़्यादा चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन बोर्ड में नीचे चले जाएंगे इसलिए लिख नहीं रहे हैं, बस समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम में व्यक्ति चलना शुरू किया, उत्तर पश्चिम में व्यक्ति चलना शुरू किया, 45 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा, 45 डिग्री वामावर्त, 90 डिग्री दक्षिणावर्त, 90 डिग्री वामावर्त, 45 डिग्री दक्षिणावर्त, 45 डिग्री वामावर्त, 90 डिग्री दक्षिणावर्त, तो बताइए व्यक्ति अब किस दिशा में देख रहा होगा। तो आप क्या कहेंगे, जिसका पोस्टमार्टम करने लायक है कर दीजिए एकदम धड़ाक से, कौन कौन करने लायक है, 45 डिग्री दक्षिणावर्त से 45 डिग्री वामावर्त खत्म, 90 डिग्री दक्षिणावर्त से 90 डिग्री वामावर्त खत्म, 45 डिग्री दक्षिणावर्त से 45 डिग्री वामावर्त खत्म, हो गया खत्म। अब ये इसको डायग्राम से लगाते हो तो कितनी दिक्कत होती। अब 90 डिग्री दक्षिणावर्त बच गया है, अब 90 डिग्री दक्षिणावर्त कहाँ से पड़ के घुमा दें, दक्षिणावर्त का मतलब क्या, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है कि नहीं है। अब कहाँ से, उत्तर पश्चिम से, उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी, ये घड़ी की दिशा में कितना घुमा दें, 90। तो आप कहेंगे उत्तर पश्चिम से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगे, कहाँ पहुँच जाएंगे, उत्तर पूर्व में, बस सब खेला खत्म। ये इस सवाल का आंसर है, देख रहे हैं कितना आसान है, कुछ है नहीं, बस डायग्राम से लगाएंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाता है, ठीक है। तो एक इसमें एडवांस रूप बचता है, वो हम आपको बता दे रहे हैं, बाकी इस टाइप में कुछ है नहीं, बस इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहीं पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, उल्टा वाला। देखिए किस दिशा में व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है हमको नहीं पता, 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा, 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा, 90 डिग्री वामावर्त घुमा, फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा, फिर 45 डिग्री वामावर्त घुमा, 45 डिग्री कहाँ घुमा, वामावर्त, फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा। अब व्यक्ति जो है मान लीजिए दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है, कहाँ देख रहा है, दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है, तो बताइए व्यक्ति किस दिशा में देखना चालू किया था, एकदम टाइप फर्स्ट वाला, टाइप सेकंड वाला हो गया कि नहीं हो गया। तो आप कहेंगे क्या, जिसका पोस्टमार्टम करने लायक है उसको पहले पोस्टमार्टम करिए, कौन कौन, देखिए 90 डिग्री दक्षिणावर्त से 90 डिग्री वामावर्त खत्म, 45 डिग्री दक्षिणावर्त से 45 डिग्री वामावर्त खत्म। अब जो बच गया, क्या बचा है, 45 डिग्री दक्षिणावर्त। अब अगर हमें प्रारंभिक दिशा दी होती तो 45 डिग्री दक्षिणावर्त सीधे सीधे घूम जाते, आप कहते जी बिल्कुल, लेकिन हमें कौन सी दिशा दी है, अंतिम दिशा दी है, तो अंतिम दिशा दी है, प्रारंभिक दिशा बताना है, उल्टा बताना है, तो इसका भी उल्टा कर दीजिए, क्या 45 डिग्री वामावर्त, जैसे टाइप टू में मतलब जब प्रारंभिक दिशा नहीं ज्ञात होती थी, जैसे दाएं का बाएं कर रहे थे, उसी प्रकार से 45 डिग्री दक्षिणावर्त से क्या कर दें, 45 डिग्री वामावर्त घुमा दीजिए, कहाँ से, दक्षिण से। अब 45 डिग्री वामावर्त का मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिण से एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे, इधर चलेंगे तो घड़ी की दिशा में, इधर चलेंगे घड़ी की विपरीत दिशा में, दक्षिण से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे कहाँ पहुँच जाएंगे, दक्षिण पूर्व में, मतलब व्यक्ति किस दिशा में प्रारंभ किया होगा, दक्षिण पूर्व में। प्रैक्टिकल भी आप इसका देख सकते हैं, क्या प्रैक्टिकल बताएं, आप खुद इसको मिला लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो देखिए बता ही देते हैं तुरंत। देखिए व्यक्ति अगर मान लीजिए ये दिशा हमें नहीं ज्ञात हो, यहाँ दक्षिण पूर्व में देखना प्रारंभ किया होगा और आना चाहिए कौन सी दिशा, दक्षिण दिशा, ठीक है। अब दक्षिण पूर्व से 90 डिग्री घूमेंगे कहाँ पहुँचेंगे, क्लॉकवाइज, दक्षिण पश्चिम में, फिर 90 डिग्री वामावर्त घूमेंगे तो फिर वहीं पहुँच जाएंगे, फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमेंगे क्लॉकवाइज, दक्षिण में पहुँच जाएंगे नहीं पहुँच जाएंगे, फिर वामावर्त घूमेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ पर पहुँच जाएंगे, फिर 45 डिग्री कहाँ घूमेंगे, दक्षिणावर्त, तो कहाँ पहुँच जाएंगे, दक्षिण में, देखिए दक्षिण में है कि नहीं है, बस यही इसका प्रैक्टिकल है। तो व्यक्ति कहाँ चलना शुरू किया होगा, दक्षिण पूर्व में। यहाँ पे आपको एक होमवर्क लिख रहा है, आप इसको लगा लीजिएगा घर पे, लगा के इसको कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा, HW। व्यक्ति किस दिशा में चलना प्रारंभ किया हमें नहीं पता, 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा, 90 डिग्री फिर दक्षिणावर्त घुमा, फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा, फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा। अब व्यक्ति अगर दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है तो बताइए व्यक्ति किस दिशा में देख रहा होगा। रुक जाइए, आपको HW दो तीन क्वेश्चन दे दे रहे हैं। एक अगला क्वेश्चन, व्यक्ति किस दिशा में चलना प्रारंभ किया हमें नहीं पता, 45 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा, 45 डिग्री वामावर्त घुमा, फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूम गया, फिर 45 डिग्री वामावर्त घुमा, फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा, फिर 90 डिग्री
वामावर्त घुमा, फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा, फिर 90 डिग्री वामावर्त घुमा, 45 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा, दिख रहा है अभी नीचे ना, 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा। अब व्यक्ति अगर दक्षिण पूर्व दिशा की ओर देख रहा है, कहाँ देख रहा है, दक्षिण पूर्व दिशा की ओर देख रहा है, तो बताएं व्यक्ति किस दिशा में देखना प्रारंभ किया था। इसी वीडियो के साथ ये दोनों आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करेंगे। टाइप थ्री में बाकी अब कुछ है नहीं, टाइप थ्री का समापन पूर्ण रूप से हो गया है, ठीक है। बाकी घर पर बैठ के प्रैक्टिस करेंगे, इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन होंगे प्रैक्टिस करेंगे, और अगर किसी प्रकार का डाउट आता है, मान लीजिए क्वेश्चन में नहीं समझ में आया, तो वो बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हमें इस प्रकार का डाउट है, तो जो अगली वीडियो बनेगी उसमें हम उस डाउट को पहले ही आपको डाउट को हम क्लियर करके उस वीडियो में डाल देंगे, ठीक है। बाकी यही टाइप थ्री है, बाकी कुछ है नहीं, बाकी प्रैक्टिस वैक्टिस करेंगे, इसको SW घर में लगा के कमेंट में तुरंत आंसर बता देंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।